वापी नजीकना डुंगरा खाते आवेला मुसा रेसिडेंसी में पवित्र रमजान मास निमित्ते योजायेली इफ्तारी पार्टी में मुस्लिम और हिंदू समाज अग्रणी उपस्थित रह्या हता। डुंगरानी मुसा रेसिडेंसी में हिंदू मुस्लिम समाज वच्चे कौमी एखलास और भाईचारा की भावना कायम रहे तेवा शुभाशय थी इफ्तारी पार्टी आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ इफ्तार पार्टी में रोजादारों उपरांत हिंदू और मुस्लिम समाज अग्रणी उपस्थित रह्या हता। दरमियान बधाए देश में शांति माटे प्रार्थना करी हती। ज्यारे अवसरे मौलाना सलमाने कह्युं के रमजान उल मुबारक आ पवित्र महीनो दया और आशीर्वाद थी भरेलो छे। आ रीते रोजा इफ्तार पार्टी थी भाईचारो पण वधे छे। तेमणे कह्युं के आ प्रदेश में तमाम धर्म लोको हमेशा प्रेम और भाईचारा साथे रहे छे अने भविष्य में पण ते चालतुं रहे तेवी प्रार्थना करी हती। रमज़ान हमारा पाक महीना है और इस महीने में हम लोगों ने मिलकर पूरी सोसाइटी ने लोग मिलकर रहे, मोहब्बत से रहें, इसके लिए इफ्तारी का प्रोग्राम किया है। सब लोग एक दूसरे से मिलकर भाईचारगी से रहे, ये हमारे देश में काफ़ी सालों से चला आ रहा है और हमेशा कायम रहे, इसी इरादे से हमने ये प्रोग्राम कायम किया है। अकील खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तारीख 24/4/2022, आज हमारा जो है 22वां रोज़ा है। हम सब सोसाइटी ने मिलकर जो है इफ्तारी का इंतज़ाम किया है ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर और दूसरे लोगों के अंदर जो है इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम रहे और भाईचारा बाकी रहे। इसलिए जो हम सब ने मिलकर जो है सोसाइटी में मिलकर सब लोगों ने जो इंतज़ाम किया है उसमें सब लोगों को इन्वाइट किया है ताकि सब लोग आवे और आपस में बैठे और जो इफ्तारी का इंतज़ाम किया, इफ्तारी करें ताकि लोगों के अंदर जो इत्तेहाद और इत्तिफाक रहे और भाईचारा बाकी रहे। जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए जो है ये भाईचारा हमारी ये साबित हो और ये इत्तेहाद इत्तिफाक कायम रहे, इसलिए इंतज़ाम हमने किया है।